आप लोग को स्वागत है एक नए फैक्ट के एपिसोड में। क्या आपको पता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितना किलोमीटर तक चली थी? और एक ऐसा प्राणी है जो कि नर से मादा में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ऐसे यूनिक फैक्ट जानोगे और जानकर एक ही वर्ड बोलोगे, कमाल का वीडियो है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप किसी भी ताजे सेब को जब पानी में डालोगे तो वो सेब तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ताजे सेब में 25% तक पानी रहता है, इसलिए जब आप एक ताजे सेब को पानी में डालोगे तो वो तैरने लगेगा। फैक्ट नंबर 4, जिन लोगों का पसंद मछली है यानी कि मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये फैक्ट जानकर उन्हें बहुत ही खुशी होगी। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि जो व्यक्ति मछली का सेवन अधिक करता है उसकी IQ लेवल भी अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली में ओमेगा-3 नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि दिमाग के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 3, स्विट्जरलैंड एक ऐसा टेक्नोलॉजी देश है जहाँ पे सिनेमा घरों के टॉयलेट में भी स्क्रीन है, यानी कि LED लगा हुआ है ताकि आप अपने मूवी के एक भी सीन को ना छोड़ पाए। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 2, आप लोग को तो हम बहुत सारे ऑक्टोपस से रिलेटेड फैक्ट बताए हैं, लेकिन एक ऑक्टोपस से रिलेटेड ऐसा फैक्ट है जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो यहाँ फैक्ट ये है कि ऑक्टोपस एक ऐसा प्राणी है जो मेल से फीमेल बन सकता है। जी हाँ, ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जो नर से मादा में कन्वर्ट हो सकता है। क्या आपको इससे पहले ये पता था? नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1 से पहले, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से कर ले ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे आगे आप देख सकते हो, वो भी फ्री। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितना किलोमीटर तक चली थी? तो भारत के प्रथम रेलगाड़ी ने मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तक तय की थी, जो कि मुंबई थाने के स्टेशनों के मध्य चली थी। तो आपको इस वीडियो में कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, नीचे हमको कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे आगे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।